भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया। एक समय आसानी से जीत रही भारत को अचानक क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जी हां, इस मैच में कौन विलियन रहा? आपको बता दें कि इस मैच में भारत की हार के पीछे किसी एक नाम को लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का 17.5 ओवर में जो गेंद फेंकी गई थी प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से, उस पर मैथ्यू वेड का कैच छोड़ना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यानी कि जिस समय मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा गया था, उस समय वह महज 5 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 3 चौके और 1 छक्का मारते हुए कुल 28 रन बनाए। इसके साथ ही अगर इस मैच में भारत की हार के दूसरे विलन की बात की जाए तो वो हैं ईशान किशन। ईशान किशन की ओर से विकेट कीपिंग की जा रही थी। एक समय जब उन्होंने मैथ्यू वेड के स्टंपिंग की अपील की, हालांकि मैथ्यू वेड क्रीज में थे लेकिन उन्होंने स्टंपिंग की अपील की, इसके बाद जब थर्ड अंपायर का फैसला आया तो ये बॉल नो बॉल थी, क्योंकि ईशान किशन ने बॉल को विकेट के आगे कलेक्ट किया था और नियमों के हिसाब से जब बॉल विकेट के आगे कलेक्ट की जाती है तो नो बॉल होती है, जिसके चलते अगली ही गेंद पर मैथ्यू वेड ने एक शानदार 6 जड़ा। अभी हार का ठीकरा फूटना एक खिलाड़ी पर और बाकी है और वो हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को 19वां ओवर दिया गया। उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 43 रन की दरकरार थी। मैच एक तरह से भारत की मुट्ठी में नजर आ रहा था, क्योंकि 2 ओवर में 43 रन का लक्ष्य प्राप्त करना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल होता है। अक्षर पटेल का ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ, लेकिन अंतिम बॉल को काफ़ी तेज गति से फेंकने के चलते ईशान किशन उसे कलेक्ट नहीं कर पाए और बॉल बाई के रूप में 4 रन देकर चली गई। और ये 4 रन ही अंत में काफ़ी निर्णायक साबित हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर में जीतने के लिए जो अंतिम बॉल थी उसमें महज 2 रन की आवश्यकता थी। यदि ये बाई के 4 रन नहीं जाते तो ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता होती। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अंतिम बॉल पर चौका मारकर अपनी टीम को जिताया था। ऐसे में शुरुआती 2 मुकाबले काफ़ी आसानी से जीतने वाली भारतीय टीम का तीसरे मुकाबले में अंत में जाकर बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करना दर्शकों को नागवारा गुजरा। दर्शकों के आक्रोश का सामना भी उनको करना पड़ा, क्योंकि अंतिम के 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 80 रन की आवश्यकता थी और उनके 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जीती हुई बाजी को भारत को हराते हुए ये मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और सीरीज में अभी भी भारत 2-1 से आगे है, लेकिन जिस हिसाब से गेंदबाजी ने, जो भारत के गेंदबाजी आक्रमण ने निराश किया है, वो कहीं ना कहीं 4थे और 5वें टी20 में भारत की चिंताएं बढ़ा सकता है। हालांकि 4थे और 5वें टी20 में श्रेयस अय्यर की वापसी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मजबूती तो देगी, लेकिन तीसरे टी20 में ईशान किशन, अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव की जो खराब फील्डिंग थी, खराब गेंदबाजी थी, उसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।